दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह माइकल की ये कार चला चला अगर थक चुके हो तो आज हम इस कार को रिप्लेस करने वाले हैं लैंड क्रूजर V8 से, जो कि देखने में तो कूल है ही, बाकी ड्राइव करने में यार मैं कहता हूँ इससे अच्छी गाड़ी और कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि इस V8 की जो हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग फिजिक्स है ना भाई, कसम से नेक्स्ट लेवल की है। मैंने तो इस V8 को अपनी पर्सनल कार बना दिया है। बाकी आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई एक बार इस कार को लाजमी टेस्ट करना, क्योंकि बहुत मज़ा आता है इस गाड़ी को ड्राइव करने में। अभी इस लैंड क्रूजर V8 को इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अपनी V8 का मोड डाउनलोड करते हैं, देन उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। नाउ सबसे पहले हमने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। आप चाहो तो कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमने सर्च टैब पर क्लिक करके यहाँ पर GTA 5 मोड्स लेकर सर्च कर देना है। उसके बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करके इस वेबसाइट के सर्च टैब में जाना है, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे VXR, सिंपली VXR लेकर हमने इसको भी सर्च कर देना है। उसके बाद अपने पास जो फर्स्ट वाली गाड़ी आएगी ना, सिंपली इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे। फिर से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो अपनी गाड़ी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। नाउ हमने अपनी कार मोड के ऊपर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। उसके बाद एक फोल्डर बनकर रेडी हो जाएगा। इसको सिंपली ओपन करेंगे, रिप्लेस में जाएंगे। अभी यहाँ पर हमने फर्स्ट फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देना है। उसके बाद केवल कैड वाला नेम कट करके यहाँ पर हमने टेल गेटर लिख लेना है। उसके बाद एंटर कर देंगे, देन सेकंड वाले को भी ऐसे ही टेल गेटर कर देंगे। बाकी जो थर्ड वाला है ना, इसको आपने ध्यान से टेल गेटर लिखना है, क्योंकि इसका जो ये डैश चाहे है ना, इसको हमने कट नहीं करना, सिर्फ केवल कैड को ही कट कर देना है। इसको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी इसको टेल गेटर कर देना, नेम लिखकर एंटर करेंगे। उसके बाद इसको क्लोज करके सिंपली अपने ओपन IV को ओपन करके एडिट मोड को भी इनेबल कर लेना है। नाउ हमने X64E वाले फाइल पर क्लिक करके कॉपी टू मोड्स फोल्डर पर क्लिक करना है। कुछ ही मिनट्स में अपना ये फाइल मोड्स वाले फोल्डर में आ जाएगा। देन यहाँ पर हमने लेवल्स में जाना है। लेवल्स में जाने के बाद GTA 5 में जाएंगे। उसके बाद vehicles.rpf एंड यहाँ पर सर्च में जाकर यहाँ पर लिखेंगे टेल गेटर। टेल गेटर लिखने के बाद हमने अपना फाइल ओपन करना है लैंड क्रूजर वाला। उसके बाद रिप्लेस में जाएंगे, यहाँ से इन तीन फाइल्स को ड्रैग करके सिंपली ड्रॉप कर देंगे। अभी अपने लैंड क्रूजर V8 कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है GTA 5 में। जल्दी से अपनी गेम को ओपन करते हैं। गेम ओपन करने के बाद आप माइकल के घर के आउटसाइड जाओगे तो आपकी डिफॉल्ट कार लैंड क्रूजर V8 में चेंज हो गई होगी। अभी यहाँ पर अगर आपकी V8 बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है फिर तो ठीक है, बाकी अगर आपकी कार कुछ इस तरह से दिख रही है, मीन्स के बिल्कुल इसका शेप ही चेंज हो चुका है, आगे से पीछे से थोड़ा चेंज हो चुका है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने सिंपली लॉस सैंटोस के या किसी भी कस्टम शॉप पे चले जाना है। उसके बाद अपनी गाड़ी को फुल अनमोडिफाइड कर देना है। जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही आप भी करते जाना, आपकी भी कार बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत मोडिंग आती है फिर तो आप मेन्यू ट्रेनर से भी अपनी गाड़ी को अनमोडिफाइड कर सकते हो।